हेलो स्टूडेंट्स, आपके मैथ्स के अंदर रिवीजन वर्क आपका स्टार्ट हो गया है। अब आपको करना है इसके अंदर राइट द नंबर कम बिफोर आफ्टर और बिटवीन। बिफोर मतलब क्या होता है? पहले, आफ्टर मतलब बाद में, और बिटवीन मतलब बीच में। तो 119 और 121 के बीच में क्या आता है? 120, 161 और 162 इससे पहले क्या आता है? 160, 148, 149 अब क्या आएगा? 150, 175 और 176 इन सबसे पहले क्या आएगा? लाइन खींची हुई है, बॉक्स बनाया हुआ है, फिल किया हुआ है, इसका मतलब इसमें आएगा 174, 163 और 165 इनके बीच में क्या आएगा? 164, 145 इससे पहले क्या आएगा? 144, 196 और 198 इससे बीच में क्या आएगा? 197, 122, 123, 124 यानी कि 122 और 124 के बीच में आएगा 123। इसके बाद है 179, 180 और 181, 180 से पहले 179, 158 और 160 इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 159। फिर राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 147, 620, 242 और 419 इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 419, 102, 100, 107, 101 इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 100, 75, 295, 162, 520 इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 75, 363, 274, 481, 309 इनमें सबसे छोटा 274, 140, 260, 240 और 104 इनमें सबसे छोटा 104, 999, 555, 888, 777 इनमें सबसे छोटा 555, 555। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द लार्जेस्ट नंबर। जिस तरीके से आपने स्मॉलेस्ट नंबर लिखा था उसी तरीके से आपको लार्जेस्ट मतलब बड़ा नंबर लिखना है। 222, 111, 444, 333 इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 444, 194, 120, 190, 192 इनमें सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन सा है? 194। नेक्स्ट है 504, 207, 690, 702 इनमें सबसे सबसे बड़ा कौन सा है? इसके अंदर सबसे बड़ा है 702, 960, 989, 920, 990 इनमें सबसे बड़ा 990, 774, 772, 776, 775 इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? इनमें सबसे बड़ा आपके, तो स्टूडेंट्स ये जो 5 नंबर वाला था 774, 772, 776, 775 इसके अंदर सबसे बड़ा कौन है? 776। गलती से 772 लिखा गया है जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नहीं आएगा यहाँ पर, बिगेस्ट आएगा, इसलिए यहाँ पर 776 आएगा। ओके, वापस रिपीट कर रही हूँ, क्या आएगा? 776। ये गलती से ऐसा 72 लिख दिया है लेकिन आपको 76 लिखना है। 678, 876, 768, 786 तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 876। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। वापस रिपीट कर रही हूँ, 776 आएगा, 772 नहीं आएगा, गलती से यहाँ पर 772 लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राइट इन शॉर्ट फॉर्म। अपने को शॉर्ट फॉर्म में करना है इसको, 200 प्लस 40 प्लस 0, तो आपको इस पूरी डिजिट को जोड़ना है, ये हो जाएगा 240। फिर 840 प्लस 4, तो आपको क्या करना है? 844, 950 प्लस 5, तो आपको क्या करना है? 955, 600 प्लस 90 प्लस 9, आपको लिखना है 699, 100 प्लस 10 प्लस 1, तो आपको क्या लिखना है? 111, 500 प्लस 30 प्लस 7, तो आपको लिखना है 537। ये हो गया आपके शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सा है? एक्सपेंडेड मतलब आपको इनको अलग अलग करना है। 675 लिख रखा है तो आपको इसके अंदर, आप पहले समझा चुकी हूँ फिर भी वापस रिपीट कर रही हूँ, आपको 600 फिर 70 फिर 5 आपको अलग अलग बॉक्स में लिखना है। 800 प्लस 40 प्लस 0, 300 प्लस 80 प्लस 7, 200 प्लस 90 प्लस 4, 900 प्लस 90 प्लस 7, 900 प्लस 50 प्लस 3, ये हो गया आपका
रिवीजन। तो आपको स्टूडेंट्स ये वाला वर्क, आपको जो चार क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं, आप इनको नोटबुक में भी करोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।